सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है ना, आज मैंने गोभी के परौंठे बनाने सीख लिए और मैंने खुद खाए भाई साहब, बड़े ज़बरदस्त बने। मतलब ऐसा लगा जैसे मुझे मतलब पसंद है ना स्टफिंग अच्छी और करा रहे हो, वैसे बने थे। मासी ने सिखाया, पहले तो मैं कहता था मासी रहने दो, पर मासी ने ज़बरदस्ती पीछे पड़ के मुझे सिखाया और मैंने दो परौंठे बनाए पहले और वो खाए, बड़े ज़बरदस्त लगे भाई। अब तो चाहे जितने मर्जी बना लो, पर ऐसा नहीं है बनाऊंगा नहीं मैं, पर काम आ जाना चाहिए, लिस्ट में होगा कि ये मुझे ये भी आता है। अब जब ब्याह कराने जाऊंगा ना तो आता, हमारे लड़के लोग बोलते हैं हमारे लड़की को रोटी बनानी आती है, मेरे माँ बोलेगा तो हमारे लड़के को भी आती है, अलग बताओ कुछ। तो मेरे एक और गुण ऐड हो गया। चलो ये तो फालतू की बात छोड़ो, मेरा परसों की बात है, मैंने मोटर चला रहा था रात के टाइम और वो प्लग में स्पार्किंग हो रही थी। प्लग ख़राब है या स्विच बोर्ड ख़राब है वो तो चलो भैया आके बताएंगे, प्लग तो चेंज करानी था तो प्लग ले आता हूँ। और अर्बन कंपनी से मैंने बुक कर लिया था इलेक्ट्रीशियन, वो भी भैया थोड़ी देर में आने वाले हैं और तब तक जाके हम प्लग ले आते हैं, जब तक वो भैया आ जाए, वरना वो बाद में भेजेंगे मुझे। तो मैं सोचता हूँ उससे पहले जाके ये काम कराऊँ। इस मार्केट में पता नहीं कितना टाइम बाद आ रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा टाइम बाद आ रहा हूँ। आया भी हूँगा रात में, थोड़ा वक्त काम से आया हूँगा, वैसे आता ही नहीं। और जब मैं नया नया आया था ना दिल्ली में, तो ये मार्केट में इतना घूमता था ना, क्योंकि एक तो घर के पास थी और उस टाइम शाम को मैं बहुत घूमता होता था। तब मैं मतलब निकल जाता था 7 बजे, 8-8:30 बजे तक यहाँ घूमता था, क्योंकि ना मुझे नींद नहीं आती थी रात को, डर लगता था नया नया, तो टाइम स्पेंड इस मार्केट में करता था। वो छठ पूजा वाला व्लॉग भी मैंने इसी मार्केट में, एक पार्क है महिला पार्क, उसमें बनाया था। वरना मैंने देखा है द्वारका मोड़ को ना लोग कम मांगते हैं, पर द्वारका मोड़ भी अपने आप में बहुत मस्त जगह है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊँगा। फिलहाल तो अर्बन क्लब वाले भैया आने वाले होंगे, उनसे थोड़ा काम कराते हैं, फिर आपको फुर्सत में बताता हूँ द्वारका मोड़ के बारे में। सो जो काम था जिसके लिए अर्बन कंपनी से बुलाए थे मैंने इलेक्ट्रीशियन, वो काम तो चलो हो गया, क्योंकि वो प्लग जो लेके आया मैं वो भी ख़राब था और जो स्विच बोर्ड था उसमें भी प्रॉब्लम था। सिर्फ प्लग में होता तो मैं खुद कर ही लेता उसको। मैंने क्या दिमाग लगाया था उस दिन कि मैंने प्लग के बिना तार लगा के देखी, तब चला ही नहीं। फिर उन्होंने बताया थोड़ा वो बोर्ड में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो गई, चलो कोई बात नहीं। पर अब भूख मुझे इतनी ज़ोरों की लग रही है ना, आज नाश्ता तो मैंने जैसे आपको बताया कि बड़ा ज़बरदस्त हो गया मेरा, पर अब हो गया लंच का टाइम, तो बाहर से कुछ खाने का मन हो रहा है। तो मैंने सोचा आज कुछ हेल्दी और कुछ मस्त मंगाया जाए, तो मैंने करा है सबवे ऑर्डर। सबवे जितना टेस्टी होता है ना उतना मतलब ऐसे ही होता है भाई साहब, खाने में तो आधा बाहर गिर जाता है। तो घर पे मंगाया मैंने, जाने को मैं एक्टिव उठा के वेगस में जाके खा के आ सकता था, व्लॉग भी बढ़िया बन जाता, पर नहीं, वहाँ बेइज्जती हो जाती है मेरी। जितनी बार मैंने सबवे खाया, जैसे मैं चेन्नई में पढ़ता था पहले, तो चेन्नई में हमारा कार्ड बना था कॉलेज के बाद, सबवे था, हमें 30% ऑफ मिलता था, तो पर उसमें आधा तो बाहर निकल जाता था मेरा, तो उसमें बेइज्जती फील होती थी। तो मैंने सोचा घर पे मंगा के खाते हैं, तो मतलब पेट भी भर जाएगा और अच्छे से खा जाएगा, बाद में जो गिरे वो उठा के खा लो थाली में से। अरे घर में कोई देख थोड़ी ना रहा है, और बनाएंगे नहीं व्लॉग उस चीज़ का, आप लोग को भी क्या घंटा पता लगेगा कुछ। तो वो आने वाला है, उसको खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर चलेंगे इंडिया और अफगानिस्तान का मैच देखने के लिए। बहुत ज़रूरी मैच है वो, क्योंकि पाकिस्तान भी अपना दूसरा मैच जीत गई, हमें भी दूसरा जीतना पड़ेगा, क्योंकि हमने पाकिस्तान को मिलना है फाइनल में, तो देखते हैं वो मैच। सो फाइनली मेरा सबवे का ऑर्डर तो आ चुका, मस्त अब इसको खोल के देखते हैं। 6 इंचीज वाला मंगाया, साउंड्स वियर्ड, दिखने में तो भाई सही सा लग रहा है, ये है चिकन वाला, अब इसको खा के देखते हैं। ब्रेड थोड़ी हार्ड है इनकी पर टेस्टी है। सो द्वारका मोड़ की बात चल रही थी जब पहले मैं निकला था व्लॉग बनाने के लिए, तो द्वारका मोड़ में 2 कॉलेजेस हैं, एक लॉ स्कूल और एक ये NSUT, और ये वन ऑफ द बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन है ब्लू लाइन के ऊपर, शायद राजीव चौक के बाद ये सबसे बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन है
अगर आप देखोगे यहाँ पर इतने पैसेंजर्स उतरते हैं, और जैसे द्वारका मोड़ी मेनली द्वारका में ऐसी जगह है जो जहाँ पर आपको बस स्टॉप्स पास में मिलेंगे, हॉस्पिटल, मेट्रो स्टेशन सब पास में है। क्योंकि अगर आप थोड़ा द्वारका के अंदर जाओगे ना सेक्टर्स में जहाँ थोड़ा सा पॉश एरिया है, वहाँ मेट्रो नहीं है। ये 14, 13, 11 ऐसे थोड़े सेक्टर्स हैं जहाँ मेट्रो है, बाकी ये 12 और आगे यहाँ पर आप जाओ यहाँ पर कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, यहाँ पर आपको दूर जाना पड़ता है मेट्रो के लिए। और थोड़ा सा कम कंजस्टेड है अगर आप कंपेयर करो इसको उत्तम नगर से, तो उत्तम नगर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। सो जब से मैं दिल्ली आया मैंने उत्तम नगर एक बार विजिट करा है, पर वहाँ पर इतनी कंजस्टेड स्पेस है ना, घर मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी गली और जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर है वो तो जुड़े हुए हैं क्योंकि जिन्ने लोगों ने आगे निकाल रखे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा कंजस्टेड प्लेस है। मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली यहाँ पर थोड़ा खुला खुला है, जैसे आपने मेरे ब्लॉग्स में देख लिया होगा, ट्रैफिक भी वहाँ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। द्वारका मोड़ इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है द्वारका के वेरियस सेक्टर्स के लिए, रादर देन आप द्वारका उतरो या द्वारका 14, यहाँ से आपको डायरेक्ट बसेस या ऑटो वगैरह मिल जाएंगे आपको किसी और द्वारका के सेक्टर में जाना है। तो इस वजह से यहाँ का मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा फुटफॉल रिसीव कर रहा है डेली। तो चलो अब करते हैं इस ब्लॉग के ही एंड। अगर आपका ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना। जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।